हेलो साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह सिंगापुर में की गई थी। राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है हमारा, यह एक महान खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है, 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर है 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वह किस खिलाड़ी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद के याद में सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा देने वाले हैं महात्मा गांधी। 1942 में इन्होंने यह नारा दिया था, करो या मरो। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद, जय हिंद का नारा देने वाले कौन से क्रांतिकारी हैं? तो जय हिंद का नारा देने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा देने वाले हैं अगेन सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था दिल्ली चलो का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह कहने वाले महापुरुष कौन हैं? तो वेदों की ओर लौटो ऐसा कहने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो ऐसा जो है आह्वान किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यह है भगत सिंह का नारा। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसा कहने वाले क्रांतिकारी वीर कौन थे? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आराम हराम है। यह नारा किसका है? तो यह लाल बहादुर, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महापुरुष कौन हैं? तो यह हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हैं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। मारो फिरंगी को ऐसा कहने वाले क्रांतिकारी वीर कौन हैं? तो यह हैं मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में जिन्होंने विद्रोह किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई ये लाइनें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत सबसे करने में सबसे अधिक प्रयास जो है किस समाज सुधारक का रहा? तो यह राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे थे, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान करी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखी है यह पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड कौन सा है सबसे बड़ा? तो यह है भारत रत्न। भारत रत्न है सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। 2021 का यह रजनीकांत को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोस्ट फेमस कालिदास को।
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागरिन रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, तो ये हैं राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है और इसे कब छोड़ा गया? यह है आर्यभट्ट, इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कल के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? मिलते हैं।